अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो कॉलेज की तैयारी है, अभी हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, डायरेक्ट कॉलेज में ही मिलते हैं। मैंने कहा है पहले इंट्रो दे दूँ, थोड़ा सा कैप्शन वगैरह टाइटल बंदा बता देता है। तो वीडियो को देखने से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, और कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो चलिए अब कॉलेज में मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग बैग हमने अपना रख दिया क्लास में, और अभी हम बैग ग्राउंड तरफ जा रहे हैं। तो हमारा वाला सेक्शन है, यहाँ पर धूप कम लगती है। ये मेरे साथ मेरे क्लास में है तलब भाई। तो कैसा है यहाँ? अच्छा रहे माशाल्लाह, अच्छे लड़के सारे, टीचर भी बहुत अच्छे। हाँ, वो पहले वाली बात नहीं है, जैसा हमने सुना था कि मतलब होते हैं लड़ाई करने वाले, ऐसा तो उनका कोई सीन भी नहीं है। अभी हम जाते हैं ग्राउंड में, ये हमारा ग्राउंड है, ये सारे बैठे हैं सामने, धूप वगैरह। अभी जाते हैं हमारे एक भाई हैं, ये अभी हम जाते हैं, हमारे एक भाई आ रहे हैं, वो व्हील चेयर पर आते हैं, उनके मसला है उनका कोई। तो गाइस, ये हमारे हस्बैंड भाई हैं, तो रोज़ इनके फादर इनको छोड़ने के लिए आते हैं। और फिर ये जो हमारे तलब भाई हैं, ये इनके साथ ही बैठते हैं, कोई काम वगैरह हो या कोई हेल्प वगैरह करवाती हो तो ये करवा लेते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं ये, तो पढ़ाई में भी दिल लगा कर मेहनत करते हैं। ये हमारा गार्डन है छोटा सा, जहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं। सामने ग्राउंड है पीछे, और यहाँ पर ये सारे ऑफिस वगैरह हैं। ये बिल्डिंग ऊपर सारी क्लासेस की है, ये सारे लाइन में ऑफिसेज हैं। और अभी हम भी जाते हैं क्लास में, हम अपने अजमत भाई को छोड़ के तो फिर दोबारा वापस आते हैं। तो कॉलेज का टूर करवाएंगे हम आप। ये फ्रेंड्स हमारी क्लास है, और ये हमारे भाई आ चुके हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? वही भाई, बस आज भूल गया, आ ही गया क्लास में। हाँ ना, ये बोर्ड है हमारा, ये पीछे क्लास है सारी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे जो इंग्लिश वाले सारे हैं, उनका फर्स्ट पीरियड होता है, वो नहीं आए, तो पूरी क्लास पीछे खाली बैठी हुई है। देख सकते हैं सब के हाथ में मोबाइल, पीछे सारी क्लास बैठी हुई है। हम भी यहाँ पर वैसे फर्क बैठे, हमने कहा सोचा ब्लॉग बना लें। तो आज पता नहीं इंग्लिश वाले सर क्यों नहीं आए, तो मिलते हैं आपको बाहर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास से बाहर निकले हैं, पीरियड्स वगैरह हमारे हो गए, आज भाई वाले सर नहीं आए, उनका कोई प्रॉब्लम था, कोई इशू वगैरह होगा। वैसे भी वो छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा करते हैं, कम ही आते हैं यहाँ पर। अभी हम लोग जाते हैं ग्राउंड पे। ये जो मेरे दोस्त हैं, ये टिटो पार्टियाँ कर रहे हैं, और जाते हैं अभी भाई, देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं और मेरे जो है सुमान भाई, हम लोग अभी बाहर आ गए, अभी हम लोग आपको कॉलेज का टूर वगैरह करवाएंगे। तो अभी हम लोग जाते हैं सबसे पहले मैथ डिपार्टमेंट की तरफ, तो वहाँ का हम लोग आपको थोड़ा सा व्यू वगैरह करवाते हैं। तो देखिए, अब सीनरी वगैरह है यहाँ पर, तो वो भी दिखा दें आप। ये देख सकते हैं गाइस, ये बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ पर, ये सुबह के टाइम, मतलब कॉलेज लीविंग टाइम, और जब सुबह वगैरह लेने जाते हैं, कोई अपटाबाद जाती है, कोई कहाँ जाती है, कोई कहाँ, मतलब मुख्तलिफ वगैरह एरियाज़ हैं इनके। और यहाँ पर टूटी फूटी पुरानी बसेस वगैरह भी खड़ी हुई हैं, ये ऊपर हॉस्टल है। और ये पीछे जो है, ये सारा ग्राउंड है, ये भी हॉस्टल है और लाइब्रेरी, और ये एक बास्केटबॉल ग्राउंड है, ये एक छोटा सा। ऐसे देख सकते हैं, ये तकरीबन जब से तकरीबन 1959 में कॉलेज बना था, और उस टाइम की बस है ये, और अभी तक आप इसकी हालत देख सकते हैं कितनी वर्स कंडीशन में है। ऐसी और भी बहुत सारी बसेस पूरे कॉलेज में खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर भी ये एक बस है, और ये भी इसी तरह वर्स कंडीशन में है, देख सकते हैं आप। तो ऐसी दो तीन बसेस और भी खड़ी हुई हैं कॉलेज में, लेकिन वो पूरे वेट एरिया में, हम वहाँ पर जा नहीं सकते। ये फ्रेंड्स, ये कॉलेज की मस्जिद है, यहाँ पर ये सामने हॉस्टल है छोटा सा,
और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं वो यहाँ पर उनके लिए उन्होंने एक बनाई हुई है मस्जिद। साइड वॉशरूम्स हैं सारे, जुहाना की जगह, और ये सारी मस्जिद है आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये है हमारा ग्राउंड कॉलेज का, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का। यहाँ पर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स धूप लगाने के लिए भी बैठे हुए हैं और कोई स्टूडेंट्स क्रिकेट वगैरह भी खेल रहे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। ग्राउंड भी इन्होंने माशाल्लाह बहुत प्यारा बनाया है, इर्द गिर्द इन्होंने सारे दरख्त वगैरह लगाए हुए हैं। गाइज ये जो है हमारे दनियाल भाई, ये बहुत ही शर्मीले हैं, ये किसी भी वीडियो में नहीं आते मेरे साथ, बड़ी मुश्किल से इनको लाना पड़ता है, तो अभी भी ये कुछ बोल नहीं रहे। तो इनसे हम पूछते हैं कि इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज में। आइए ना, आप डर क्यों रहे हैं, इधर आइए। देखिए ये डर चुके हैं हमसे, हम इतने कोई डाउने तो है नहीं, वीडियो बनाते हैं। तो आप बताइए आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पर इस कॉलेज में, आप आए। तो उस्मान भाई आपके इस बारे में क्या ख्याल आते हैं? नहीं ये तो सभी कहते हैं अच्छा कॉलेज है, अपनी लस्सी को कौन खट्टी कहते हैं। नहीं अभी तो स्टार्ट हुए ना। अच्छा अच्छा, एक मंथ हुए तो इतनी जो स्टडी, आपको फिजिक्स का पहले चैप्टर का नाम बताएं क्या है? पहले चैप्टर का नाम हमारा मैयर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए गाइज, मुझे नहीं पता था पहले चैप्टर का नाम, इन्होंने बता दिया। गाइज ये हमारे तैयब भाई हैं जो हमें कॉलेज में मिल गए, ये हमारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, तो तकरीबन 6th या 7th में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, तो किसी और स्कूल में चले गए थे और अब कॉलेज में इनसे मुलाकात हो रही है। तो कैसा लग रहा है आपको इस कॉलेज में? बेहतर लग रहा है यहाँ पे, आप सुन रहे बहुत अच्छा लग रहा है। तो पढ़ाई कैसी है यहाँ? पढ़ाई A1 सब अच्छे चल रहे हैं, अभी पी डी है, डिपार्टमेंट बंद हो गया, हमें भी घर की तरफ जाने वाले थे, आप मिल गए। अच्छा अच्छा, और तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, आप चले आप बाकी ब्लॉग हम पूरा करते हैं, तो तब तक आप हमारे साथ रहिए। कॉलेज का हॉस्टल है आप देख सकते हैं, ये वही पुरानी बस खड़ी हुई है यहाँ पर, और अभी हम लोग यहाँ पर अंदर जाएंगे, दिखाते हैं आपको अंदर से इनका जो हॉस्टल है कैसा है वो। ये देखें गाइस, ये शायद रूम्स वगैरह बने हुए, ये छोटा सा लॉन है यहाँ पर, और ये रूम्स वगैरह बने हैं जिनको भी लॉक किया हुआ है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ने के लिए गए हुए हैं। और ये देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स हैं, 3 फ्लोर्स पर बनी हुई है ये, देखें। कॉलेज में कुछ काम वगैरह लगे हुए थे जिसकी वजह से आज मैं अपना ब्लॉग कंप्लीट नहीं कर सका, तो इंशाल्लाह फिर कभी आपको सारा ब्लॉग कॉलेज का बनाकर बताएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, और काइंडली आप इसको लाइक कीजिए करें, कर दिया करें, और कमेंट करके लाजमी बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो ब्लॉग इतना ही था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।